Hey guys and welcome back to today's video. I hope you all are doing well. तो आज की वीडियो होगी ऑन ब्यूटीफाय बाय आमना की एम्प्रेस कलेक्शन. सबसे पहले आई एम मॉइस्चराइजिंग माई फेस विद ब्यूटीफाय बाय आमना का 24K गोल्ड सीरम ताकि फेस पर अच्छी सी ग्लो भी आ जाए, जितने ड्राई पैचेस हैं वो अच्छे से कवर हो जाएँ. फिर मैं ग्लो ब्यूटी का कवर फिक्स एंड प्रो कंसीलर ले रही हूँ इन द शेड आइवरी टू प्राइम माई आईलेट्स. आप लोग कोई भी कंसीलर ले सकते हो और मैं इसको एक ब्रश की मदद से इसको अपनी पूरी आईलेट पर फैला रही हूँ एंड देन आई एम ब्लेंडिंग इट विद द सेम ब्रश. फिर इसको सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ब्यूटीफाय बाय आमना का अल्टीमेट बेकिंग पाउडर. ये भी एम्प्रेस कलेक्शन के साथ ही मिलता है आपको. एंड देन ब्रश की मदद से मैं अपने आईलेट्स को जो है सेट कर रही हूँ. देन आई एम टेकिंग दिस थ्रोन पैलेट बाय एम्प्रेस कलेक्शन ब्यूटीफाय बाय आमना की. सबसे पहला शेड मैं ये ले रही हूँ बर्न्ड ऑरेंज सा और इसकी मैं इसको लेके मैं अपनी पूरी क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ विद अ फ्लफी ब्रश और ये एज माई ट्रांजिशन शेड काम करेगा. फिर मैं ये मैट ब्राउन शेड ले रही हूँ फ्रॉम द सेम पैलेट. इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने आउटर कॉर्नर में और हल्का सा क्रीज में. अपने आउटर कॉर्नर को आहिस्ता आहिस्ता मैं डीपन अप कर रही हूँ. उसके बाद मैं ये ब्राइट ऑरेंज शेड ले रही हूँ फ्रॉम द सेम पैलेट. इसको मैं एक छोटे पेंसिल ब्रश के ऊपर लेके अपने आउटर कॉर्नर में अप्लाई कर रही हूँ ताकि एक मज़े की ऑरेंजिश सी फील आ जाए पूरे लुक में हमारे. आई वॉन्टेड दिस लुक टू बी वेरी ब्राइट और सही ग्लिटरी सी. फिर इस पैलेट में से जो रेड शेड है, ब्राइट रेड शेड, वो लेके मैं अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ. जितने भी आई शेडोज हैं सब बहुत अच्छे से ब्लेंड हुए हैं, दे वर नॉट पैची एट ऑल. बिल्कुल भी मुझे मुश्किल नहीं है उनको ब्लेंड करने में, बहुत 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 ईजिली ब्लेंड हो गए थे एंड द पिगमेंटेशन इज़ रियली नाइस एज वेल. फिर मैं एम्प्रेस कलेक्शन की क्राउन पैलेट ले रही हूँ. इसमें से मैं डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ और उसको मैं अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि आउटर कॉर्नर थोड़ा सा ज़्यादा डीपन अप हो जाए. एंड देन मैं एक फ्लफी ब्रश की मदद से इसको सब ब्लेंड कर दूँगी. अब शिमर्स की तरफ आते हैं. मैं सबसे पहले ऑरेंज शिमर ले रही हूँ और उसको ऑरेंज नहीं तो थोड़ा सा इसमें गोल्डन था उसको लेके मैं अपने आउटर कॉर्नर में अप्लाई करी थी. देन मैंने ये ब्राइट ऑरेंज शेड लिया था. दिस इज सच अ प्रिटी शेड. इसमें हल्के से गोल्ड फ्लेक्स भी थे. इट वॉज सो 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 ब्यूटिफुल. बिल्कुल प्रेस पिगमेंट की तरह इसने परफॉर्म किया था. फिर मैं लाइट गोल्ड शेड ले रही हूँ इसको मैं अपने इनर कॉर्नर से लेकर पूरे अपने क्रीज में अप्लाई करूँगी ऑन टॉप ऑफ दी ऑरेंज शेड जो इससे पहले लगाया था और इसने इतना प्यारा इफेक्ट दिया था. इसमें बहुत छोटे छोटे ग्लिटर फ्लेक्स थे बट वो बहुत फाइनली मिल थे एंड दे लुक्ड सो 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 ब्यूटीफुल. किसी ग्लिटर शेडो की ज़रूरत नहीं थी मुझे इसके बाद. दूसरे आंख को कंप्लीट करने के बाद मैं ले रही हूँ ग्लो ब्यूटी का काजल और इसकी मदद से मैं अपनी आंख को जो है वो लाइन करूँगी पहले एंड देन मैं इसको ब्लेंड आउट करूँगी विद अ स्मॉल फ्लैट ब्रश. मैं अपना आईलाइनर जो था वो स्मोकी करना चाहती थी इसलिए मैं ये वाला स्टेप कर रही हूँ. आप लोग इस ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हो इफ़ यू वांट, लेकिन मैं चाह रही थी कि मेरा बहुत मज़े का स्मोकी सा ड्रामेटिक सा आईलाइनर लगे. तो मैं जिस इसको बिल्डअप कर रही हूँ ये बहुत ईजिली ब्लेंड होता है. दिस इज़ सच एन अमेजिंग काजल एंड यू गाइस कैन सी कि इसकी पिगमेंटेशन कितनी अच्छी है. फिर आई एम डूइंग द सेम थिंग ऑन द अदर आई एज़ वेल. फिर मैं ले रही हूँ ब्यूटीफाय बाय आमना का एम्प्रेस आईलाइनर विच लुक समथिंग लाइक दिस. इससे मैं अपना आईलाइनर करूँगी. एक गाइड हमारे पास बनी हुई थी, सिर्फ मैंने विंग बनाया था उसको फिल इन किया था एंड देन इसी से आगे जाके मैं अपना आउटर इनर कॉर्नर भी करूँगी. आईलाइनर कंप्लीट करने के बाद आई एम डूइंग माय मस्कारा. आप लोग कोई भी मस्कारा यूज़ कर सकते हो. फिर फेस की तरफ आता है. आई एम यूजिंग ब्यूटीफाय बाय आमना की लुमिनस फाउंडेशन इन द शेड आइवरी एंड बेज. इसका मैंने वन पंप ईच लिया है और फिर मैं इसको अपने पूरे फेस पे ऐसे अप्लाई कर रही हूँ एंड देन आई एम ब्लेंडिंग इट विद द फाउंडेशन ब्रश. इसकी कवर जो है वो मीडियम टू फुल है एंड इट गिव्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फिनिश टू योर फेस. बहुत ही लुमिनस सी, बहुत प्यारी सी फिनिश इस फाउंडेशन की.
फिर फाउंडेशन के बाद आई एम डूइंग माय कंसीलर। कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ का कंसीलर इन द शेड बेज 2। आप लोग कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो। इसको मैं तो पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, टू माय अंडर आईज, फोरहेड, नोज, क्यूपिड्स बो एंड चिन। फिर इसको मैं सेम फाउंडेशन ब्रश से ब्लेंड कर दूंगी। उसके बाद मैं करूँगी अपनी क्रीम कॉन्टोरिंग। उसके लिए मैं यूज़ करूँ ग्लैम गर्ल्स की क्रीम कॉन्टोर पैलेट। आप लोग अपने हिसाब से, आपको जितनी पसंद है आप उतनी कर सकते हो। आई लाइक इट दिस वे, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। पहले क्रीम कॉन्टोर करूँगी, देन उसके बाद मैं पाउडर कॉन्टोर करूँगी। फॉरहेड पर लगा रही हूँ, चीक्स पर लगा रही हूँ एंड जॉ लाइन पर लगा रही हूँ। एंड देन आई ब्लेंड इट विथ अनदर ब्रश। ये ब्यूटीफाई वैमना का ब्रश आएगा आगे, ये वाला, दिस इज देयर एंगल्ड कॉन्टोर ब्रश। इसकी मदद से मैं अपनी कॉन्टोर को जो है ब्लेंड कर रही हूँ। कॉन्ट्रोल ब्लेंड करने के बाद मैं ले रही हूँ ग्लो ब्यूटी का कंसीलर इन द शेड आइवरी और मैं अपने फेस को करूँगी हाईलाइट। आप लोग कोई भी कंसीलर ले सकते हो, बट दिस वन वर्क सो वेल इन हाईलाइटिंग योर फेस। ये स्पेसिफिक शेड जो है, दिस इज आइवरी, और ये अगर आप मेरे स्किन टोन के क्लोज हो देन यू कैन यूज़ इट एज हाईलाइट वाला कंसीलर। तो आपके फेस को बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है एंड बिल्कुल भी ग्रे नहीं करता आपके फेस को। आई एब्सोल्युटली लव इट्स कवरेज, इट्स फॉर्मूला, एवरीथिंग अबाउट दिस कंसीलर इज़ ग्रेट। After that, I'll be setting my face with Beautify by Amna का अल्टीमेट बेकिंग पाउडर। ये बहुत 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 अच्छा पाउडर था, इन्हीं की ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अप्लाई करी टू माई अंडर आइज। इट डिड नॉट लीव अ वाइट कास्ट अंडर माई आइज़ और ये बहुत अच्छे से जो है स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया था। इसने बहुत अच्छे से मेरे फेस को मैटिफाई कर दिया था, एब्सोल्युटली लव्ड इट। फिर काजल लगाऊंगी मैं बाय ग्लो ब्यूटी। मैं अपनी वाटर लाइन में ये लगा रही हूँ एंड इट इज़ सो सो मैट एंड ब्लैक। ये स्मज भी नहीं होता और वाटर प्रूफ भी है and it is so jet black or I absolutely love it। फिर अपनी लोअर लैश लाइन को ब्लेंड करने के लिए मैं ये शेड ली हूँ डार्क ब्राउन शेड फ्रॉम दी सेम पैलेट और उसको मैं अपने एक फ्लैट ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ। साथ साथ काजल को हल्का हल्का स्मज कर रही हूँ और ब्राउन शेड जो है थोड़ा सा ज़्यादा फैला रही हूँ। आगे जाके फिर मैंने ऑरेंज शेड भी लगाया था और रेड शेड भी लगाया था अपने अंडर आइज़ पे उसको ब्लेंड करने के लिए अच्छे से। अब मैं अपनी डस्ट ऑफ कर रही हूँ जितना भी बेक हमने किया था। एनीवेज कैन सी के स्किन कितनी स्मूथ लग रही है और पाउडर ने कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ी है। आई एब्सोल्युटली लव दिस पाउडर, बहुत अच्छे से इसने परफॉर्म किया था और बहुत अच्छे से मेरे फेस को मैटिफाई किया था। उसके बाद लैशेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी फैक्ट्री की आई लैशेस, क्योंकि मेरे पास ब्यूटी फैक्ट्री आमना की थी नहीं तो मैंने उन्हीं की लगाई। फिर अपनी लोअर लैशेस पर मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से एंड देन उसके बाद हम जाएंगे अपने फेस की तरफ। आई एम यूजिंग एम्प्रेस की फेस पैलेट। इसमें से इनके दोनों ब्रॉन्जर कॉन्ट्रोल शेड लेके मैं अपनी जितनी कॉन्ट्रोल क्रीम कॉन्ट्रोल थी उसको सेट करूँगी। और इसके ब्रॉन्जर ने बहुत प्यारी सी मेरे फेस पर ग्लो भी दे दी थी और बहुत ज़्यादा यू नो ल्यूमिनस मज़े का लग रहा था।
तो दिस पैलेट इज़ अ हिट फ्रॉम माई साइड. आई रियली रियली लाइक इट. पिगमेंटेशन वाइज बहुत अच्छी है, फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है, बहुत पटरी है एंड दे ब्लेंड आउट वेरी नाइसली एज वेल. नोज़ की कॉन्ट्रोलिंग भी मैं सेम पैलेट से कर रही हूँ विद अ फ्लफी ब्रश. अब चलते हैं ब्लश की तरफ. आई एम यूजिंग ये एम्प्रेस की फेस पैलेट में से इनका दोनों शेड्स ब्लश के. दोनों को मिक्स करके मैंने अप्लाई किया. एक जो था वो लुमिनस था, एक मैट था. तो लुमिनस वाले ने बहुत प्यारी सी ग्लो दे रही थी मेरी चीक्स को और बहुत प्यारी हेल्दी सी ग्लो दे रही थी एंड द शेड्स आर एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. उसके बाद मैं जल्दी से करूँगी अपने आईब्रोज. उसके बाद हम वापस चलेंगे फेस की तरफ. नाउ मूविंग बैक टू द फेस. आई एम यूजिंग ये ब्यूटीफाई आमना की एम्प्रेस फेस पैलेट में से उनका हाईलाइटर. मैं गोल्ड और एक और शैम्पेन वाला शेड दोनों मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ. एनी वेज कैन सी के दीज आर सो 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 ब्यूटीफुल. इतने ब्लाइंडिंग हैं और बिल्कुल ग्लिटरी या चमकी नहीं है. दीज आर वेरी वेरी फाइनली मिल्डेड और बहुत स्मूथ है एंड द पिगमेंटेशन इज़ रियली गुड एज वेल. इसके कलर भी मुझे ज़्यादा पसंद आया एज़ कम्पेयर टू फ्लोरेंस के फेस पैलेट. मुझे ये वाले इसके हाईलाइटर ज़्यादा पसंद आया. उसमें थोड़ा पिंक अंडरटोन था, इनका जो अंडरटोन है थोड़ा गोल्डन है. सो आई फील कि दीज आर बेटर सूटेबल फॉर माई स्किन टोन. तो मुझे ये वाले ज़्यादा पसंद आए. अब इसको मैं अपने हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस पे अप्लाई करूँगी, अपनी चीक बोन्स पे, अपनी नोज पे, क्यूपिड्स बो पे और चिन पे. एंड देन इसी सेम हाइलाइटर को लेके मैं अपने आईब्रो बोन पे भी अप्लाई करूँगी. अच्छा जी, अब चलते हैं लिप्स की तरफ. सबसे पहले मैं अपने लिप्स को लाइन करूँगी बाई यूजिंग यू कैन बी का लिप लाइनर. उसके बाद लैम गर्ल्स की कॉन्ट्रो पैलेट में से उनका कॉन्ट्रो ब्रॉन्जर शेड लेके मैं अपना लिप कलर लगा रही हूँ. आप भी कोई भी लिप कलर लगा सकते हो और बट मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है सिंस इट्स क्लोज टू माय प्रेफरेंस. और मुझे ये वाला कलर ज़्यादा पसंद आता है विद दिस लुक. मुझे लग रहा था कि शायद ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा है एंड इट कॉम्प्लीमेंटेड द लुक इवन मोर. फिर कवर फिक्स कंसीलर ले रही हूँ मैं बाय ग्लो ब्यूटी और इसको मैं अपने लिप्स के सेंटर में डैप कर रही हूँ एंड देन आई ब्लेंड इट विद माय फिंगर्स. और ये इस लिपस्टिक को थोड़ा सा लाइट करेगा एंड बहुत ज़्यादा प्यारा वाला न्यूट बनाएगा. फिर लीजिए ब्यूटीफाई पे आमना का अल्टीमेट बेकिंग पाउडर ऑन देयर ब्यूटी ब्लेंडर. मैं अपने फेस को बेक कर रही हूँ और कॉन्ट्रोर को नीट कर रही हूँ ताकि मज़े का चिजल्ड इफेक्ट आए. तो थोड़ा सा पाउडर लेके मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड देन आई क्विकली डस्ट इट ऑफ. मैंने बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ा था इसे, मैंने बस फ़ौरन से इसको डस्ट ऑफ कर दिया था. देन आई एम टेकिंग ब्यूटीफाई पे आमना की लिप ग्लॉस इन द शेड 05 विच इज़ अ ब्यूटीफुल रेड शेड. तो आई फील लाइक ये ऑन इट्स ओन इस लुक के साथ मैच नहीं होना था इसलिए मैंने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया था इस लुक में बाय एडिंग इट अ लिटिल बिट ऑन माई लिप्स ताकि प्यारी सी शाइन आ जाए. और ये बहुत लाइट वेट थी, बिल्कुल स्टिकी नहीं फील हुई या चिपचिपा नहीं फील हुई. द ग्लॉस वॉज रियली रियली गुड और कलर भी बहुत प्यारा था. ये देखें आपने, इसने इस लुक को बहुत प्यारा सा बना दिया. इस लिपस्टिक को हल्का सा पिंक इफेक्ट दिया. So that's it for the look. और ये है हमारी final look. I hope you guys enjoyed it. Don't forget to leave your feedback in the comments below and let me know आप लोगों को कैसा लगा. So thank you so much for watching guys. Take care, stay home and stay safe. I love you all. Bye bye.